नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए कजान से जो रशिया का शहर है वहाँ से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारत अभी जो है ब्रिक्स में जो सम्मेलन चल रहा है वहाँ पर अटेंड करने के लिए भारत गया हुआ है। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करी है। ये दोस्तों मुलाकात 50 मिनट की हुई है। नॉर्मली जो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो 15 मिनट 20 मिनट की मीटिंग होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये मीटिंग 50 मिनट की हुई है और ये बहुत ज़बरदस्त मीटिंग रही। इसके आउटकम्स भी बहुत अच्छे रहे। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो मीटिंग हुई है ये 5 साल के बाद हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की। इस मीटिंग में कई चीज़ों पर सहमति बनी है, जैसे कि एक सहमति तो ये बनी है कि भारत और चीन एक दूसरे पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे को काफ़ी फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, बिजनेस के माध्यम से अच्छे से बिजनेस करेंगे। दूसरी चीज़ कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है इसको शांति से सुलझाएंगे और इसका एक स्थायी समाधान ढूंढेंगे। तीसरी जो बातचीत हुई है वो ये कि अभी जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो अभी बंद पड़ी हुई है चीन की तरफ से, उसको बहाल किया जाएगा ताकि भारत के लोग जो कैलाश मानसरोवर यात्रा करना चाहते हैं वो जा पाएँ। ये एक डेवलपमेंट है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बातों को रखा ये सारे पॉइंट्स बिंदुवार, और इस पर बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आया चीन के राष्ट्रपति की तरफ से। उन्होंने इसका बहुत अच्छे से उन्होंने भी स्वागत किया। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि भारत और चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तो दोनों अगर साथ में मिलकर अगर काम करते हैं तो हम दुनिया को और भी बहुत कुछ दे सकते हैं, दुनिया के हम बहुत काम आ सकते हैं। हम दोनों देश बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में हैं और इससे बहुत लोगों को ऊपर लाया जा सकता है अर्थव्यवस्था के हिसाब से। मतलब ये बहुत ही पॉजिटिव बात करी है चीन के राष्ट्रपति ने। भारत ने भी वैसा ही रिस्पांस किया है दोस्तों। लेकिन अब चीन ने अगर कोई चीज़ कही है तो हम उस पर ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो एक्सपीरियंस रहे हैं चीन के साथ वो सुखद नहीं रहे, वो अच्छे नहीं रहे, वो थोड़े से कड़वे एक्सपीरियंस रहे हैं जिसको बताएं। तो भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा इस वक्त कि चीन की बातों पर कितना विश्वास करना है और कैसे विश्वास करना है। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत अब कैसे उस पर अपना रिएक्शन देता है चीन के साथ जो हमारी सीमा विवाद है उस पर स्पेशली। तो क्या हमें वहाँ से अपनी सेना भी हटाई जाएगी या उसके साथ कैसा अभी रखा जाएगा बॉर्डर पर, ये अभी देखने वाली बात होगी। दोस्तों भारत के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है कि भारत के बगल में ही चीन है और हमारे पड़ोसी के साथ युद्ध नहीं होगा। ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि ऑलरेडी भारत के पास दुश्मन है, दुश्मन पाकिस्तान के रूप में है। अगर चीन के साथ भी हमारी दुश्मनी रहती है तो कहीं ना कहीं हमारी जो फोर्सेज हैं और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बढ़ते हैं। कुछ हमें अपनी जो रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ लगाने पड़ते हैं, उसके बाद जो दूसरे रिसोर्सेज और हैं वो हमको लगाना पड़ता है चीन की तरफ। इसके साथ ही आपको बता दें दोस्तों, म्यांमार है, बांग्लादेश है, अब हमको उधर भी अपने रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें भारत के लिए काफ़ी मुश्किल हैं। अगर चीन की तरफ से थोड़ी सी भारत को राहत मिलती है तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा, इससे हमारी फोर्स के ऊपर उतना प्रेशर नहीं आएगा, ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों भारत और चीन अगर मिलकर काम करते हैं तो ये भारत और चीन के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन इससे दुनिया को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जैसे ही ये बिज़नेस बढ़ेगा ये पूरी दुनिया के लिए फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और जब चीन में इकोनॉमिक गतिविधि बढ़ेगी
तो ये पूरी सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी वर्ल्ड को फिर से। और जैसे ये सप्लाई पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हो जाएगी सामान की, तो हर जगह काम आएगा, कहीं ना कहीं लोगों को जॉब्स नई नई मिलेंगी। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत भी काफ़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन चीन भारत से 5-6 गुना ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसलिए चीन ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा और भारत उसके साथ मिल के काम करेगा, दोनों ही अपनी इकोनॉमी को लेकर आगे बढ़ेंगे, बिजनेस को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो विश्व को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब इस पर कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा।